आप अगर बजाज चेतक इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं तो आपको भी ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अब आपकी बजाज चेतक अगर ड्राइव मोड पे नहीं जाती तो डरने की कोई जरूरत नहीं। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। हेलो दोस्तों, मेरी बजाज चेतक की प्रॉब्लम्स रुकने का नाम नहीं ले रही। आज फिर से एक प्रॉब्लम मेरी बजाज चेतक के साथ हो गया है। मैंने आज मेरी बजाज चेतक रोज की तरह पार्किंग में लगाया था। जब मैंने इसे बाहर निकाला और इसे स्विच ऑन करने के लिए स्विच को प्रेस किया और इसे ड्राइव मोड पे डालने के लिए मैंने ब्रेक को प्रेस करके ड्राइव मोड का स्विच बहुत बार प्रेस किया, फिर भी ये ड्राइव मोड पे जा नहीं रही थी। मैंने इसे स्विच ऑफ करके फिर से स्विच ऑन करके देखा, मगर फिर भी ये ड्राइव मोड पे जा नहीं रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं असफल रहा। फिर मैंने इसे चार्जिंग को लगा के देखा। थोड़ी देर में चार्जिंग होने के बाद फिर इसे स्विच ऑन करके ड्राइव मोड पे डाल के देखा। मेरी बजाज चेतक अभी भी ड्राइव मोड पे जा नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मुझे मेरे एक दिल्ली के सब्सक्राइबर मेहताब अली इनके कमेंट की याद आई। उनके साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ था और उन्होंने मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा था। उनको तो उनकी बजाज चेतक सर्विस सेंटर लेकर जाने के लिए टोइंग व्हीकल लगभग 2000 रुपीज चार्ज कर रही थी। वो बहुत परेशान हो गए थे। उनके साथ हुई मेरी चैटिंग आप साइड स्क्रीन में देख सकते हैं। मैंने फिर मेरी नज़दीकी सर्विस सेंटर में कॉल किया। मेरे सर्विस एडवाइज़र ने मुझे बोला कि सर, आपकी बजाज चेतक का अगर इंश्योरेंस है तो आप टोल फ्री नंबर पर कॉल करके टोइंग वैन को बुला लीजिए और आपकी गाड़ी को सर्विस सेंटर में भेज दीजिए, आगे हम सब कुछ देख लेंगे, चेक करके आपको बताएंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। फिर मैंने इंश्योरेंस कंपनी में कॉल किया कि मेरी ऐसे ऐसी जगह पर बजाज चेतक बंद हो गई है, ये ड्राइव मोड पे जा नहीं रही। मेरा नज़दीकी सर्विस सेंटर लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो मुझे मेरी बजाज चेतक को यहाँ से सर्विस सेंटर लेकर जाने के लिए टोइंग वैन की फैसिलिटी की ज़रूरत है। आप प्लीज़ मुझे टोइंग वैन प्रोवाइड कीजिए। फिर इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव ने मुझे बताया कि आपके इंश्योरेंस में RSA यानी रोड साइड असिस्टेंस इंक्लूड है या नहीं, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे इंश्योरेंस में RSA ऐड नहीं है, आपको अलग चार्जेस लगेंगे। फिर मैंने मेरी इंश्योरेंस की कॉपी निकाली और चेक किया तो उसमें RSA ऐड है, ऐसा उनको पढ़ के मैंने दिखाया, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने एक दूसरा नंबर दिया, वहाँ कॉल करके मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि आपके इंश्योरेंस में RSA ऐड है। फिर मैंने उनको होल्ड पे रख के RSA वालों को कॉल लगाया और उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके मेरी इंश्योरेंस में RSA है ये कंफर्म करवा दिया। इसमें लगभग मेरे 2 घंटे चले गए। बाद में सिर्फ आधे घंटे में ही मुझे टोइंग वैन वालों का कॉल आ गया। मैंने उनको मेरा लोकेशन सेंड कर दिया। अब टोइंग वैन मेरी बजाज चेतक को लेने के लिए आ गई। डॉक्यूमेंट साइन करके मैंने मेरी बजाज चेतक उनके हवाले कर दी। साथ में मैंने मेरी बजाज चेतक की भी उनको दे दी। टोइंग वैन की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी लगी। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से केयर करके मेरी बजाज चेतक को टोइंग वैन पे टो किया। एक बात अच्छी हुई कि मेरी बजाज चेतक मेरे घर के पास ही बंद हुई, नहीं तो अगर बाहर कहीं ये बंद पड़ती तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती। आज भी लगभग इसे लेकर जाने के लिए रात के 9 बज गए हैं। अब सर्विस सेंटर तो बंद हो गया होगा, फिर अब क्या करें। फिर से मैंने मेरे सर्विस एडवाइज़र को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आप गाड़ी भेज दीजिए सर, सर्विस सेंटर का वॉचमैन इसे उतार लेगा। फिर मैंने टोइंग वैन वाले को गाड़ी को लेकर जाने के लिए कहा। उन्होंने टोइंग वैन की ये फैसिलिटी मुझे कैसी लगी ये पूछा और मेरा
वीडियो के रूप में एक छोटा इंटरव्यू भी लिया। दूसरे दिन मैं सर्विस सेंटर में गया, फिर उनको पूछा कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है। उन्होंने चेक करके मुझे बताया कि इसका OTA सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, इसे हम 2-3 दिनों में अपडेट करके आपको कॉल करते हैं। फिर अपडेट करते समय 2 बार एरर आने के कारण मेरी बजाज चेतक की डिलीवरी 3 दिन बाद मुझे मिली। तो दोस्तों, आप अगर बजाज चेतक इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं तो आपको भी ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, मगर ये वीडियो देखने के बाद आपको अब आपकी बजाज चेतक अगर ड्राइव मोड पे नहीं जाती तो डरने की कोई जरूरत नहीं। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में यूजफुल कंटेंट मेरे चैनल पे अपडेट करता हूँ। सो डू वॉचिंग माई वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।